रघुनाथ मंदिर, जहां पर 33 करोड़ देवी देवता करते हैं वास। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 33 करोड़ देवी देवता करते हैं वास। जम्मू के पवित्र स्थान रघुनाथ धाम में एक दो नहीं बल्कि 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। यहाँ रघुनाथ के मुख्य मंदिर के आसपास कई मंदिर हैं जिनमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वैष्णो देवी की यात्रा के साथ साथ आप 33 करोड़ देवी देवता के वास करने वाले इस मंदिर के दर्शन करके कैसे आप अपनी तमाम मुरादें पूरी करा सकते हैं। जम्मू के इस मंदिर का नाम है रघुनाथ मंदिर। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु एक साथ 33 करोड़ देवी देवता के दर्शन कर पाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता के दर्शन करना मोक्ष की प्राप्ति के समान माना जाता है। रघुनाथ मंदिर जम्मू शहर के मध्य में स्थित है। यह मंदिर ना सिर्फ हिंदू धर्म की आस्था का बल्कि पूरे जम्मू की पहचान है। अगर ऐसे में बात की जाए उत्तर भारत की, तो ये मंदिर फेमस और अनोखे मंदिरों में से एक है। आपको बता दें कि यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 1845 में महाराजा रणवीर सिंह और उनके पिता महाराजा गुलाब सिंह द्वारा कराया गया था। और इस मंदिर को लेकर लोगों में ऐसा विश्वास है कि यहाँ आकर उनकी मुरादें पूरी होती हैं। दरअसल इस मंदिर को 1835 में राजा गुलाब सिंह ने बनवाना शुरू किया था, लेकिन मंदिर का निर्माण राजा रणवीर सिंह के काल में पूरा हुआ। रघुनाथ मंदिर की अपनी कलात्मकता का एक विशिष्ट उदाहरण है। यहाँ आपको बता दें कि रघुनाथ मंदिर में 7 ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद हैं और यहाँ के अंदर के हिस्सों में सोना लगा हुआ है जो तेज का स्वरूप है। मंदिर में कई देवी और देवताओं की मूर्ति भी लगी हुई है। रघुनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी और देवताओं के लिंगम रूप बने हुए हैं, जो इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक साथ 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन मिलते हैं। रघुनाथ मंदिर के बाहर से 5 कलश नजर आते हैं जो लंबाई में फैले हुए हैं। यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की विशाल मूर्ति है। साथ ही आपको बता दें कि इस मंदिर में रामायण और महाभारत काल के कई चित्रों की मूर्तियां विभिन्न कक्षों में भी हैं। इसके अलावा एक कक्ष ऐसा भी है जहां चारों धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। साथ ही साथ बीच में ऐसी व्यवस्था है कि चारों ओर से रामेश्वर धाम, द्वारकाधीश धाम, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। रघुनाथ मंदिर में एक कक्ष ऐसा भी है जहां भगवान सत्यनारायण के दर्शन किए जा सकते हैं। साथ ही साथ इस कक्ष की ये खासियत है कि चारों ओर दीवारों पर 12 मास दर्शनीय हैं, मतलब हर महीने चैत, वैशाख आदि के लिए उस माह के मुख्य देवता की मूर्ति है। रघुनाथ मंदिर के निर्माण में एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि महाराज गुलाब सिंह को इस मंदिर के निर्माण की प्रेरणा रामदास बैरागी से मिली थी। रामदास बैरागी ने गुलाब सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, जो कि बाद में सत्य निकली। रामदास बैरागी भगवान राम के भक्त थे और वे भगवान राम के आदर्शों का प्रचार करके अयोध्या से जम्मू आए थे, जिस दौरान वह सुई सिलंबी में कुटिया बनाकर रहते थे। रामदास ने जम्मू क्षेत्र से और जम्मू क्षेत्र में पहले राम मंदिर का निर्माण सुई सिलंबी में करवाया था। रघुनाथ मंदिर में रामनवमी के दिन देखने लायक नजारा होता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के समय रामनवमी के दिन सरकारी छुट्टी घोषित
ही जाती थी और साथ ही साथ भगवान राम की झांकी के साथ साथ पुलिस और सुरक्षा बल की टुकड़ियां चलाई करती थी। साल 2002 में रघुनाथ मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद इस मंदिर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। इस आतंकी हमले में 11 साल बाद यानी कि 2013 में एक बार फिर से रघुनाथ मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी रघुनाथ मंदिर, जहाँ पर एक नहीं बल्कि 33 करोड़ देवी देवता निवास किया करते हैं, आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल अध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानियाँ।